तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग प्राइम वीडियो की द डेविल्स आवर्स की सीजन 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और बेसब्री से सीजन 2 के लिए वेट कर रहे, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी सीजन 2 की फिल्मिंग है वो अपनी लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी है और इसी महीने यानी जुलाई के महीने में इसकी फिल्मिंग है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर आपको उसकी सीजन 2 के एपिसोड है इस साल के दिसंबर तक देखने को मिल सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही। तो जो भी हो चले जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग आइस फैंटेसी के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को इस फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज के एक्सक्लूसिव हिंदी डब अपडेट दिया था, तो आखिरकार इतना ज्यादा डिले होने के बाद इसकी जो प्रीमियर है वो आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी। जी हां गाइस, एमएक्स पेयर की जो जुलाई की स्लेट है वो निकल के आ चुकी है और इसकी जो डेट है वो मेंशन है 19 जुलाई। जी हां गाइस, 19 जुलाई को आपको ये फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज वो हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी और फिलहाल इस सीरीज की सीजन 1 में टोटल आपको 62 एपिसोड देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है 2018 में रिलीज हुई चाइनीज फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज लेजेंड ऑफ फुयाओ। जी हां गाइस, इसकी सीजन 1 की जो टोटल 66 एपिसोड है वो आपको हिंदी डब में एमएक्स पर देखने को मिलेगी जुलाई के महीने में और इसकी जो डेट निकल के आई है वो है 5 जुलाई। 5 जुलाई को आपको ये केवल हिंदी डब में ही देखने को मिलेगी। और बता दो कि ये दोनों के ड्रामा है जो आपको एमएक्स पर जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी, तो इसकी जो डेट है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि एमएक्स पर की जो डेट है वो फिक्स नहीं होती है, वो आगे पीछे हो जाती है। तो जो भी हो चले जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग सुपरहीरो फैंटेसी ड्रामा मूवी थंडरबोल्ट्स से। जी हां गाइस, इसकी जो फिल्मिंग है उसे स्टार्ट कर दिया गया है और अगर सब ठीक ठाक रहा तो फिर आपको ये मूवी है वो आपको नज़दीकी थिएटर में नेक्स्ट ईयर के दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगी। तो जो भी हो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। We'll be right back.